नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का शंखनाद होने के बाद हाल फिलहाल अब कुछ ही वक्त बचा है। इसी बचे हुए वक्त में जो है वो प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, साथ ही साथ लगातार जो तूफानी दौरा है उसको भी करते नजर आ रहे हैं। बात कर लेते हैं आमेर विधानसभा की। तो ये विधानसभा जो है वो राजस्थान की सबसे हॉट सीट मानी जाती है। इसी हॉट सीट पर कांग्रेसी प्रत्याशी प्रशांत शर्मा इस वक्त मैदान में डटे हुए हैं। खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आज उनके साथ एक नया सवाल करेंगे। प्रशांत जी, राम या काम? दोनों, धर्म भी और कर्म भी। इसी दृष्टि से जो आपका सवाल है उसका मैंने बहुत संक्षिप्त उत्तर दे दिया। प्रशांत जी, आज आपके पक्ष में युवाओं की धड़कन, 36 कौम के नेता जिसको कह सकते हैं कि बच्चा बच्चा उन्हें प्यार करता है, सचिन पायलट आज आपके समर्थन में सभा कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये मेरे लिए एक गर्व का विषय है कि उन्होंने मेरे आग्रह को माना और उन्होंने आज इस विधानसभा क्षेत्र को अपनी सभा के लिए चुना। व्यस्तम कार्यक्रम में से उन्होंने समय दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। आप सचिन पायलट को सुनने के लिए लोग दूर दराज से आए हैं और साथ ही साथ वो आपको भी सुनना चाहते हैं, आपके विजन को भी सुनना चाहते हैं, तो किस तरीके की आज आप यहाँ रणनीति बना करके आए? नहीं, ऐसी कोई विशेष रणनीति नहीं है। लोकतंत्र में सभाएं होना एक सामान्य कार्य है और उसमें हर व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, तो जो ऐसा कुछ नहीं होता कि पहले से सोच के जाओ। उस समय जो आपके दिमाग में एक्सटेम्पोर आता है आप अपनी जनता के साथ शेयर करते हैं। जनता हमारी मालिक है, जनता हमारे भगवान की तरह है, तो हम जो भी बात होगी, जो दिल से बात निकलती है, और हमारा तो नारा है साहब, कहो दिल से कांग्रेस फिर से। अशोक गहलोत ने जो 7 गारंटी और वारंटी तो दी है, इसके अलावा जिस तरीके से क्या ये योजनाएं पूरी तरीके से धरातल पर क्या उस तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाई है जिससे जनता इसका लाभ पूरी तरीके से उन्होंने उठाया है, तो क्या आप इनको वापस से दोबारा रिमाइंडर करवाएंगे कि ये वही सरकार है? नहीं, मैं आपकी बात को दोबारा, आप अपना सवाल करें। मेरा सवाल यही है कि जिस तरीके से अशोक गहलोत ने 5 साल में राजस्थान में जो काम किए हैं, क्योंकि लोग भूल जाते हैं, तो क्या आज इस सभा के अंदर वापस से वो काम याद दिलाए जाएंगे ताकि जनता को एहसास हो कि ये वही सरकार है? नहीं, देखिए, मैं आपसे इस विषय में सहमत नहीं हूँ कि कोई व्यक्ति किसी काम को भूल जाता है। ये बात अलग हो सकती है कि नित नई समस्याओं से लोग रूबरू होते हैं और एक व्यक्ति का, एक जन नेता का यही कार्य होता है कि वो दिनचर्या में जो रोज़ नई समस्याएं आएँ, और इसीलिए हम लोगों के गांव-गांव घूमते हैं कि जिससे जो हमें वहाँ पे आकलन होता है कि एक नई समस्या का उदय हुआ तो उसका निराकरण करना चाहिए। और निश्चित रूप से पिछली जो भी योजनाएं हैं, जैसे किसी व्यक्ति को जानकारी नहीं है तो उस विषय में हमें उनको अवगत कराना आवश्यक है, लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई व्यक्ति किसी गुण को कोई भूल जाता है, गुण हमेशा याद रहता है। प्रशांत शर्मा की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, पिछले 4 साल का 5 साल का हमने आंकड़ा देखा है। पहले था आपका ग्राफ, लेकिन इन 5 सालों में ग्राफ का आंकड़ा बढ़ा है, तो ऐसा क्या जादू किया आपने? नहीं, मेरा नहीं साहब, ये जनता का जादू है। और आपका धन्यवाद कि आपने इसका आकलन करके मीडिया के सामने, लोगों के सामने, अपने लोगों के सामने दिखाया। ये जनता का जादू, मेरा इसमें कोई दखल नहीं। मैं तो जैसा हूँ वैसा सहज हूँ। ये जनता का प्रेम है साहब, जो जनता का जादू है, मेरा कोई जादू इसमें नहीं। बिल्कुल, ये थे प्रशांत शर्मा, जिनका ये कहना है कि जो जिस तरीके से लोकप्रियता इनकी बढ़ती जा रही है, ये लोकप्रियता इनके कार्यकर्ताओं की है, यहाँ के लोगों की है, जो लगातार लोकप्रियता में कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ सुरेंद्र सोनी, आमेर, जयपुर।